हेलो गाइस, आपने मेरा फेयरवेल वीडियो देखा होगा। उसमें मैंने टॉप टू बॉटम मैंने पूरा अपनी मेकअप, मेरी ड्रेस की डिजाइनिंग सब मैंने किया था, और मैंने मेकअप, हेयर स्टाइल सब कुछ मैंने किया था। इट वॉज माई सेल्फ मेकअप। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ, ये मेरा नॉन मेकअप लुक है जो आप देख सकते हैं। और मैंने अभी लेंसेस पुट किए हैं, ग्रे लेंसेस। ये मैंने एक इंस्टाग्राम पेज से खरीदा है, और मैं इंस्टाग्राम की जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो आप वहां से अपने लेंसेस परचेस कर सकते हैं। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरा ये फ्रेश लुक है। और अब मैं इस पे प्राइमर अप्लाई करूंगी। प्राइमर मेरे पास नहीं है, तो एलोवेरा जेल बहुत बेस्ट प्राइमर है। मतलब मेरे पास जब भी मेरा प्राइमर खत्म हो जाता है, तो ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट का काम करता है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। अब मैं अपने फेस पे थोड़ा थोड़ा करके, फेस और नेक पे भी और फेस पे पूरा कवर करते हुए मैं थोड़ा थोड़ा ही अप्लाई करेंगे। मेरे पास ज्यादा आ गया है तो मेरे को पोंछना पड़ रहा है। सो आपको थोड़ा थोड़ा करके अपने फेस और नेक पे अप्लाई करना पड़ेगा। आपको थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना है, और थोड़ा सा आपको फैन के नीचे चल जाना है कि वो आपके स्किन में अच्छे से बैठ जाए। तब तक आपको थोड़ा थोड़ा रब करना है। ये स्किन एक्चुअली एब्जॉर्ब कर लेती है पूरे एलोवेरा जेल को, तो आपको अप्लाई करना है पूरे अटायर फेस पे और नेक। आप देख सकते हैं मैंने अपने फेस पे और नेक पे पूरा एलोवेरा जेल अप्लाई कर लिया है। अब मैं वेट कर रही हूं कि ये सेट हो जाए। थोड़ा चिपचिपापन लगेगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। थोड़ी ठंडी, जब ठंडाहट कम हो जाए तो वो अच्छे तरीके से सेट हो गया है, ये पहचान होती है। उसके बाद थोड़ा सा चिपचिपा लगेगा आपको फेस पे और नेक पे। इसका मतलब है कि आपके फेस ने और नेक ने, नेक की और फेस की जो स्किन है उसने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। पूरा एब्जॉर्ब हो जाए, थोड़ा वेट करें। मैंने अपने फेस पे एज अ प्राइमर एलोवेरा जेल अप्लाई कर लिया है फेस और नेक पे। अब मैं आपको बताऊंगी फाउंडेशन लगाने का सही तरीका। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? एक्चुअली मेरा फाउंडेशन मेरे स्किन टोन से थोड़ा लाइट है, तो मैं इसको बताऊंगी कि आप अपना लाइट वाला फाउंडेशन अपने स्किन से कैसे मैच कर सकते हैं। ये है मेरा कंसीलर। ये कंसीलर मैंने इम्पोर्टेड शॉप से खरीदा था, इम्पोर्टेड शॉप से। आप किसी नॉर्मल शॉप से भी खरीद सकते हैं, लैक्मे, मेबेलिन, बहुत सारे कंसीलर्स आते हैं। और आपका जो फेवरेट फाउंडेशन होगा उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं यहाँ आपको बताऊंगी, ये मेरा फाउंडेशन है जो लाइट कलर का है, और ये मेरा कंसीलर है जो थोड़ा डार्क कलर का है। ऑब्वियसली स्किन टोन से कंसीलर हमेशा डार्कर होता है, तो मैं इसको ब्लेंड करना बताऊंगी आपको। ये मैंने एक डॉट लाइटर फाउंडेशन का ले लिया है, और इसमें थोड़ा सा कंसीलर ले लिया है मैंने। आप देख सकते हैं ये लाइटर है और ये डार्कर है। इसको मैं बंद कर दूंगी। हमें अगर और चाहिए होगा तो हमें और ऐसे ही बनाना पड़ेगा, और इसको अपने हाथों से मिक्स करना होगा। ये मिक्स हो चुका है। मेरे स्किन पे मेरा फाउंडेशन बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाता है, तो आपको ब्लेंडिंग के बारे में भी बताऊंगी मैं। ये मेरा फाउंडेशन ब्रश है, इसको डॉट डॉट करके आपको अप्लाई करना है अपने फेस और नेक पे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं अब मैं अपने नेक के ऊपर भी वैसे ही अप्लाई करेंगे जैसे मैंने थोड़ा सा लाइटर शेड का फाउंडेशन ले लिया है। देन मैं इसमें कंसीलर मिला रही हूं। अब मैं अपने हाथों से
और स्पेशली प्लीज आप अपने हाथों को क्लीन रखें, बिकॉज ये आपके स्किन पे जाने वाला है। तो मैंने अपने हाथ पहले ही क्लीन कर लिए थे, सो मेक श्योर कि आप भी अपने हाथ क्लियर कर लें। सो इसको मिक्स करना होगा, आप देख सकते हैं मैं कैसे मिक्स कर रही हूँ इसको, ऐसे सर्कुलर मोशन में इसको मिक्स करना है। देन पूरे नेक पे इसको अप्लाई करना है, जैसे मैंने अपने फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई किया था जस्ट वैसे। जहां तक आपका ब्लाउज या टॉप है, मेरा टॉप थोड़ा डीप है सो मैं पूरे नेक को कवर करूंगी। मैंने कवर कर लिया है। अब आप देख सकते हैं मेरे फेस पे पूरी तरीके से और मेरे पूरे नेक पे फाउंडेशन अप्लाई हो गया है। अब मैं ब्रश का यूज बताऊंगी, उसके बाद ब्रश के बाद हम ब्यूटी ब्लेंडर का यूज देखेंगे कि हम अपने फेस पे जो फाउंडेशन है या नेक पे जो फाउंडेशन है उसे हम ब्लेंड कैसे करेंगे। अब मैं अपने फाउंडेशन को ब्लेंड करना सिखाऊंगी ब्रश से। तो आप ब्रश से अपने फाउंडेशन को देखिए, मैं डबल ब्लेंडिंग करती हूँ, पहले मैं ब्रश से ब्लेंड करती हूँ देन फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करती हूँ। तो फर्स्ट स्टेप अभी मैं आपको ब्रश से सिखाऊंगी कि इसको ब्लेंड कैसे करें। सो आपको जस्ट यहाँ जहाँ डॉट्स हैं वहाँ पे फोकस करना है और सर्कुलर मोशन में अपने ब्रश को घुमाना है। आप देख सकते हैं कितना क्लियर ब्लेंड हुआ है। कई लोग अपने ब्रशेस ऐसे ऐसे करते हैं, ये पेंट वाला मोशन होता है। आपको अपने फाउंडेशन को सर्कुलर मोशन में वो करना है कि ये पूरे स्किन में ब्लेंड हो जाए। सो मैं अपने यहाँ पे भी ब्लेंड करूंगी। और मेकअप एक आर्ट है, आर्ट जिसे आप अभी भी सीख सकते हैं, जस्ट आप को प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। जस्ट आप ऐसे घर पे अगर लॉकडाउन में बैठे हैं तो बस प्रैक्टिस करते रहिए कि कैसे क्या चीज अप्लाई होती है। जैसे मुझे पहले आईलाइनर लगाने नहीं आता था तो मैं घर पे बैठे बैठे प्रैक्टिस करती थी। मैंने आईज पे अपने फाउंडेशन अप्लाई नहीं किया है, आपने भी नोटिस किया होगा, मैं अभी बाद में उसको अप्लाई करूंगी क्योंकि उसको हाईलाइट करने के लिए मुझे ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। मैं अभी अपने नेक पे भी अप्लाई कर रही हूं। वैसे ही अप्लाई करना है आपको, सर्कुलर मोशन में अपने ब्रश को घुमाना है। सेमी ब्लेंडिंग हो गई है हमारी, हाफ ब्लेंडिंग। और ये मैंने प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट से नहीं सीखा है, मैंने बस प्रैक्टिस कर करके सीखा है। आप भी सीख सकते हैं, बहुत इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। हाथों को कैसे आप मूव करते हैं उसकी जरूरत पड़ती है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, मेकअप में कुछ भी नहीं है। लाइक सेल्फ मेकअप तो आपको सीखना ही चाहिए, अगर कहीं बाहर जाना है या रेंडमली किसी को मेकअप की जरूरत पड़े और आपको करना पड़े तो ये स्किल आनी चाहिए सबको। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ब्यूटी ब्लेंडर मैंने ले लिया है, ये इस शेप का ब्यूटी ब्लेंडर है, आपको किसी भी शॉप पे अवेलेबल हो जाएगा। थोड़ी अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। अच्छी क्वालिटी आप कैसे मेजर कर सकते हैं, जैसे वो स्पॉन्ज वाले जो ब्यूटी ब्लेंडर्स आते हैं वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का नहीं रहता है, वो भी था मेरे पास, मैं बहुत सारे ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर चुकी हूँ, देखा है मैंने, सो इसलिए आपको बता रही हूँ। और एक चीज आपको बता रही हूँ, बहुत माइन्यूटली थिंग्स हैं जो आप अपना यूज कर सकते हैं अपने मेकअप को अच्छा करने के लिए। तो ये ब्यूटी ब्लेंडर पे आपको 2 ड्रॉप पानी के लेने होंगे, पानी के 2 ड्रॉप। तो जब आप पानी के 2 ड्रॉप लेंगे ना, पहले याद होगा हम, मतलब मैं बचपन में फाउंडेशन में पानी मिला के अप्लाई करती थी, बहुत लोगों ने किया है, तो ये वही काम करता है, थोड़ा मॉइस्चर दे देता है फाउंडेशन को कि वो आपके फेस पे सेट हो जाए। तो जस्ट आपको इसे टैप करना है, टैप टैप टैप।
ब्यूटी ब्लेंडर से पोछा नहीं लगाना है फेस पे, नहीं तो आपका पूरा ब्यूटी ब्लेंडर जो रहेगा वो फाउंडेशन पे आ जाएगा। तो जस्ट इसको सेट करने के लिए हमें ये चीज करना पड़ता है। हमने आईज पे अभी अप्लाई नहीं किया है तो अब हम आईज पे कर लेंगे, क्योंकि मेन फोकस हमारा एक्चुअली 3D लुक में आईज हम लास्ट में करते हैं कि हमारा स्किन थोड़ा लाइट शेड में दिखे और आईज थोड़ा और लाइट शेड में दिखे कि आईज अलग सा ग्लो करे। तो मैं आपको आईज पे भी अप्लाई करना बता दूंगी कि आईज पे कैसे पहले क्या स्टेप करते हैं फिर दूसरा क्या स्टेप करते हैं। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर ले लिया है, ये फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट पाउडर है, शेड नंबर इस पे वीटिश शेड है, SPF 20 विटामिन ई शिया बटर। अब मैं इसको अपने ब्रश पे ऐसे सर्कुलर में लूंगी, इसको अप्लाई कर लूं? नहीं इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करेंगे, ऐसे सर्कुलर में ले लिया, इसको टैप करेंगे कि जो एक्स्ट्रा वो है वो निकल जाए। अब इसको सर्कुलर मोशन में ऐसे अप्लाई करना है, थोड़ा सा और लेंगे, अब मैं आपको बताऊंगी अपने आईज को 3D लुक कैसे देते हैं, इतनी ज्यादा बड़ी आंखें कैसे लगती है। तो मैं आपको वो टिप्स दूंगी कि आपकी आंखें बड़ी कैसे लगे। फर्स्ट ऑन आप अपने आंखों में प्लीज, अगर लेंसेज हों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पक्का वो पेज का लिंक पुट कर दूंगी, वो वहां पे इतने प्यारे प्यारे लेंसेज हैं। मैंने अभी ग्रे लेंस पुट किया है, अंडर 1000 आपको 5 लेंसेज प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप लाइट कलर के लेंसेज, मैं लाइट शेड ही अच्छा लगता है मुझे, डार्क शेड भी वहां पे शायद अवेलेबल होगा, चेक कर लीजिएगा आप, नहीं तो फिर आप कहीं और से लेंस कार्ड हैं, बहुत सारे हैं लेंसेज तो आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैंने लाइट शेड के लेंस, मुझे मेरे ऊपर लाइट शेड अच्छा लगता है तो मैंने लाइट शेड के लेंसेज ऑर्डर किए थे। तो ये लाइट शेड हैं, ग्रे हैं। अब इस पे मैं व्हाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ। मैं पहले ब्लैक काजल अप्लाई करती थी तो मेरी आंखें एकदम छोटी छोटी लगती थी, फिर मैंने ट्राई किया कि चलो व्हाइट काजल अप्लाई करते, बहुत देखा मैंने व्हाइट काजल लोग बहुत अप्लाई करते हैं, तो आइए अब हम व्हाइट काजल अप्लाई करते हैं। मैं व्हाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ, मैंने अपनी आंखों में व्हाइट काजल अप्लाई कर लिया है। अब मैं अपना आई मेकअप करना स्टार्ट करूंगी, आपको भी बताऊंगी कि मैं आई मेकअप कैसे करती हूँ। मैंने अप्लाई कर लिया है काजल, अब मैं अपनी आंखों पे कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करूंगी। मैं कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई करना भूल गई थी, तो अब वैसे ही करना है। अपना जो ब्रशेस प्लीज आप अपने अलग अलग रखिएगा, जैसे कॉम्पैक्ट पाउडर का ब्रश अलग और फाउंडेशन जिससे ब्लेंड करते हैं उसका ब्रश अलग, प्लीज मिक्स मैच मत करिएगा, क्योंकि फाउंडेशन वाले ब्रश में मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर जब आप इससे अप्लाई करेंगे तो वो बहुत अजीब सा काला काला सा हो जाता है। सो आपको वैसे ही लेना है, राउंड राउंड टैप करना है, जितने भी एक्स्ट्रा कॉम्पैक्ट पाउडर उसको डस्टिंग करना जरूरी होता है। उसके बाद वैसे ही सर्कुलर मोशन में, इट्स डन। अब मैं आपको बताऊंगी आई शेडो को कैसे अप्लाई करते हैं। तो ये मेरा आई शेडो पैलेट है, ये भी इम्पोर्टेड है, यूएसए का है। तो मैं इसको बताती हूँ, देखिए आपको भी न्यूड शेड पैलेट कोई भी ले सकते हैं, बहुत सारे न्यूड शेड पैलेट्स आते हैं। तो आपके पैलेट में जो सबसे लाइटर शेड होगा पहले उसको अप्लाई करिए, यहाँ से एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक पूरा सर्कुलर मोशन में। तो मेरा लाइट शेड है ये पिंक का, ये पिंक का लाइट शेड, तो मैं इसको हल्का हल्का सा, और जो ब्रश होंगे प्लीज उसको मिक्स मत करिएगा, पूरे ब्रशेस वॉश्ड होने चाहिए। लाइक ये मैंने पहले अप्लाई किया था तो ये इसमें पिंक शेड लगा हुआ है, तो इसको भी आपको डस्ट फ्री करना है, इसको टैप करना है। इसके बाद टैप हो गया, एक्स्ट्रा हट गए, अब आईज क्लोज करके इसको अप्लाई करना होगा सर्कुलर मोशन में। और थोड़ा ले लीजिए,
टैप करिए, थोड़ा न्यूड पिंकिश शेड है ये, थोड़ा ब्राउन और पिंक का मिक्स। एक कॉर्नर से दिया इसको ऐसे और सर्कुलर मोशन में अप्लाई किया। ये अप्लाई हो गया है, मैं उसी तरह दूसरे आईज पे भी अप्लाई कर लूंगी। आप देख सकते हैं मैंने ब्रश चेंज कर लिया है, तो अब मैं इसमें ब्राउन का शेड लूंगी। ये थोड़ा लाइट डार्क ब्राउन से थोड़ा कम है, ये होता होगा, और ये लाइट ब्राउन है थोड़ा सा। तो आपको ब्राउन का कोई भी शेड लेना है, जस्ट उसको ऐसे टैप करके अप्लाई कर लेना है। आप देख सकते हैं ये ब्राउन का शेड कितना अच्छा आ रहा है। और व्हाइट पैच लगाने से कितनी आंखें बड़ी लग रही है, और लेंस पुट ऑन करने से अब आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। अब चलते हैं, मेरा आई मेकअप हो गया है, मैंने इतना ही लाइट मेकअप किया था। अब मैं लिपस्टिक पुट करूंगी और ब्लश भी थोड़ा सा। अगर आपको पिंक का शेड थोड़ा डार्क करना है तो थोड़ा डार्क पिंक ले लीजिए। मैं इसी ब्रश से ले रही हूँ क्योंकि अब मैं ये ब्रश यूज़ नहीं करूँगी। सो इससे हल्का हल्का जो थोड़ा सा कम कॉर्नर वाला है ना, ये देखिए आपको दिख रहा होगा ये शेड कितना सुंदर लग रहा है और कितना ग्लोइंग लग रहा है। थोड़ा सा लेना है, टैप करना है। अब मैं अपने लिप्स पे लिपस्टिक पुट करूंगी। ये है फेसेस कैनेडा का पिंक शेड है, आपको बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। ये बहुत ही फेमस लिपस्टिक है, फेसेस के बहुत सारे लिपस्टिक्स आते हैं। तो मैं इसको अपने ब्रश से अप्लाई करूंगी। मैं हमेशा अपने ब्रश से ही अप्लाई करती हूँ लिपस्टिक, बिकॉज ब्रश से जब आप अपनी लिपस्टिक अप्लाई करते हैं ना, बहुत ही मतलब फिनिश लुक आता है, बहुत ही क्लियर, और लिपस्टिक फैलती नहीं है इधर उधर। तो इसको जस्ट आपको ब्रश पे लेना होगा। ले लिया, आपको अपने पहले लिप्स पे आउटलाइनिंग कर लेनी होगी। ये मेरा लोअर लिप पे आउटलाइनिंग हो गई है, अब अपर लिप पे क्रॉस बना लीजिए। क्रॉस बना लिया, उसके बाद धीरे धीरे स्लांटिंग मोड में नीचे आइए। हमारी लिप्स की आउटलाइनिंग हो गई है, ये ऐसे ट्रायंगुलर बन जाता है, ठीक है। अब हम फिल कर लेंगे। आप लिपस्टिक के पहले वैसलीन भी पुट कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप किसी नैपकिन से उसको ऐसे ऐसे कर लेंगे तो आपकी जितनी भी स्किन है ना, डेड स्किन निकल जाती है। मेरी अभी डेड स्किन उतनी दिख नहीं रही है, तो मैं डायरेक्ट लिपस्टिक पुट कर रही हूँ। ज़्यादा लगे लिपस्टिक कहीं से निकल रही है तो जस्ट आप क्रीम अप्लाई करिए, ठीक है, जहाँ भी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि मेरी फेयरवेल के दिन मेरी लिपस्टिक यहाँ से फैल गई थी। तो मैंने हल्का सा क्रीम अप्लाई किया था और नैपकिन से उसको जस्ट पोंछ लिया था। उसके बाद फिर वही थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है फाउंडेशन टैप करके, उसके बाद उस पर मैंने ब्रश चला लिया था कॉम्पैक्ट पाउडर का। तो ये हो गया, मेरी लिपस्टिक लग गई है। आप देख सकते हो ब्रश से कितना क्लियर लगा है, कितना ज़्यादा क्लियर लिपस्टिक लगी है। सो अब हमारा पार्ट है ब्लश का, ब्लश करेंगे उसके बाद फिर मैं आपको आईलैशेस भी पुट करके दिखाऊंगी कि कैसा लगता है। अब मैं आपको अपने आईज पे आईलैशेस पुट करके बताऊंगी कि कैसे आईलैशेस लगाते हैं। सो ये आईलैशेस मुझे ब्रांड तो नहीं पता, बट आप कोई भी अच्छे स्टोर से आईलैशेस लेंगे तो अच्छा चलता है। तो जस्ट मैं अभी इसको अपने पैक से निकाल रही हूँ। ये है आईलैशेस,
और ये है आईलैशेस का ग्लू, उसके साथ ही आया था ग्लू। सो जस्ट उसके एजेस पे लगाना होगा। एजेस पे ग्लू लगाना होगा, ज्यादा ग्लू लग जाए तो उसको हाथ से आपको क्लियर करना होगा, हमेशा ज्यादा ही लग जाता है। तो आपको एक कॉर्नर से Stop it. Get some help. मैंने अपने आईज पे आईलैशेस पुट कर लिए हैं दोनों आंखों में, अब आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। अब मैं अपने आईज पे आईलाइनर पुट करूंगी, ये है लेक्मे का लिक्विड आईलाइनर, ये आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगा। मैं मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पड़ता है, आप कोई भी आईलाइनर पुट कर सकते हैं। सो जस्ट मैं इसको लूंगी। आईलाइनर की भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लाइक मैं भी पहले नहीं लगा पाती थी, इसकी कोई ट्रिक इजी ट्रिक है ही नहीं, आपको सीखना ही पड़ेगा। लाइक आपको हैंड बहुत स्टेबल रखना है कि हिले ना, आंखें स्टेबल रखनी पड़ती है। सो जस्ट इसको ऐसे पुट करना है। मैंने दूसरी आंखों में भी आईलाइनर पुट कर लिया है जैसे पहली आंख में किया था। अब मैं ब्लश पुट करूंगी अपने चीक्स पे। सो मैं यही पिंक शेड का ब्लश ले रही हूँ, ये पिंक शेड वाला ब्लश ले लिया। आपका जो फेवरेट ब्लश हो वो आप जस्ट ले लें, उसको टैप कर लें और हल्का हल्का सर्कुलर मोशन में हल्का हल्का लेते हैं, एक्स्ट्रा ब्लश टैप कर लीजिए स्माइल करके जहां पे आपके चीक्स अप हो रहे हैं। ये हो गया हमारा फ्रेश लुक, यही लुक मैंने अप्लाई किया था अपने फेयरवेल पे। हाइलाइटर मैं पुट नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी दिन की पार्टी थी, रात की पार्टी होती तो जस्ट मैं यहाँ पे हाइलाइटर पुट कर लेती और थोड़ा सा नोज पे। मुझे ज्यादा हैवी लुक नहीं देना था, मैं एक वेडिंग फंक्शन का वीडियो का व्लॉग मैं डालूंगी नेक्स्ट में, ये मेरा फेयरवेल पार्टी का लुक था, आप देख सकते हैं। मैंने इयररिंग्स डाले थे बस कानों में, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने ईयर कफ्स पहन लिए हैं, ये इयररिंग नहीं है, ये ईयर कफ्स है, ये मैंने इंदौर से खरीदा था। आप किसी भी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है बहुत सारे, और इंस्टाग्राम के पेजेस पे भी, बहुत क्लासिक लुक देता है। तो ये था मेरा मेकअप लुक फेयरवेल का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड, एंड मैं ऐसे ही मेकअप की वीडियोज डालती रहूंगी। मैं वेडिंग लुक भी दूंगी कि मैं वेडिंग लुक में कैसे तैयार होती हूँ और सेल्फ मेकअप कैसे आप भी मेरे जैसे कर सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। और कई चीज़ें आप अप्लाई करके आप अपने मेकअप को ग्लो कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैसे आप वाइट काजल और लेंसेस पुट करके अपने मेकअप को ग्लोई बना सकते हैं। सो बस ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू।